ताल आवी है तो आप अकेडमी के लिए तैयार हुई है ना। चले जल्दी से बैग पकड़े, जल्दी भागे भागे, जल्दी से पकड़े बैग, जल्दी से उधर चले ले बैग, जल्दी से। अच्छा साथ आओ, मैं साथ आऊ। चले फिर जल्दी से चले, मैं आ रही हूँ। आप जल्दी से चलेंगी तो मैं आऊंगी ना भागे। आ जाओ चलें, अच्छे से कैरी करें बैग को। गुड गर्ल, इधर इधर देखें। अल्लाह हाफिज़ करें, अल्लाह हाफिज़ गाइस। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़ गंदी कहाँ जा रही है? फिर नज़र रखो ना, फिर बुरी बात होती है, ऐसे बात करते हैं आप तो अच्छी बच्ची है। हेलो गाइस, विद आर यू, बाय बाय। चलो चलो अब बताओ क्या कहा। मैं बोला बस चार्ज करना ना भूलना। ठीक है, नहीं भूलते, आप जाए। अब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। इतनी मैं मतलब सेफ होकर बैठ सकती हो रही ना, इसलिए सेफ होकर जा रही। फाइनली रिजवान मान गया है मेरी बर्थडे के लिए। उन्होंने मेरी बर्थडे की पूरी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं और अब हम जा रहे हैं बर्थडे के लिए सामान लेने के लिए। क्या करेंगे, कैसे डेकोरेट होगी, क्या कुछ लेंगे, क्या मतलब जो भी होगा ना, सारा आप लोगों के साथ चलेगा, देखिएगा क्या क्या लेना है। और बर्थडे बड़ी जोर शोर से मनाएंगे। चोट उनको लगी है लेकिन वो मान गए हैं, अल्लाह का शुक्र है वो मान गए हैं। और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर भी हैं, जो मतलब उनकी पहले कंडीशन थी उससे काफी हद तक शुक्र अल्लाह का बेहतर, लेकिन दर्द है। दर्द उनको है, अभी उठे हैं, नहाए हैं, थोड़ा फ्रेश हुए हैं, तो मुझे बोल रहे हैं कि चलो तो मैं लेके चलूं और अपनी बर्थडे की चीज़ें की तैयारी स्टार्ट कर लो। और टाइम इस टाइम पे हो रहा है 4 बजने वाले हैं जब हम निकलने लगे हैं। सारा दिन ये बिस्तर पर और इन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ भी घर काम झाड़ा की कुछ भी झूठ बोल रहे हैं, सारा कुछ मैं ही करती। चलो मैं जा रही हूँ, फिर आप बैठे लिया आप बैठे रहो, मैं जा रही हूँ, ठीक है बैठे रहो। फिर बुढ़ापे की निशानी और कुछ भी और कुछ भी नहीं है, चोट लगी है ना बुढ़ापे की। आज तो चलो और कभी तो पूरे अंकल ही लग रहे हो। हेलो आंटी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। ब्रांड किस चीज़ का? लंडा ब्रांड ना। अरे चूल्हे की नज़र ना लगा दे कोई भी, सारे कहते आग आ रही, चूल्हा आ गया, सारी बंद आ रही। शुक्र है अल्लाह है बंद कर दी आपने गैस। चलो अब अब हम जाने लगे हैं और मैं कर लूँ अपना नकाब और फिर हम बढ़ते हैं चीज़ों की तरफ, खर्चे की तरफ बढ़ते हैं, हम खर्चे की तरफ। फिर आप कौन सा कलर सेलेक्ट किया? अभी देख रहे हैं, हम अभी शॉप पे आए हैं, चेक करें कौन सा कलर सेलेक्ट करें। मुझे लगता है काफी चीज़ें ले चुके, बिल बनता है। मुझे लगता है वो ब्लैक और गोल्डन कर लो, मुझे लगता है यही है कि आप ब्लैक और गोल्डन ही कर लो। आपको क्या लगता है भाई कौन सा कलर होना चाहिए, कलर थीम? ब्लू और वाइट ही सही है, पर्पल भी है, जो आप कहें। हाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यही देखिए, अब ये जो साहब पसंद करेंगे वही होगा, देख रहे हैं अभी बताते हैं वो क्या पसंद करते हैं। निकलवा लें फिर एक, ये नहीं लेना, ये भी ले लेते हैं कि मुँह से फुलाओगे नहीं। इधर हम आ गए गलती से, मैडम को मैं लेके आ गया शालू में, तो भैया बस जेब खाने के अलावा काम को नहीं करते हैं, बिल बन चुका है। छोटी छोटी चीज़ें, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, चीज़ें हम आई का हमारा बहुत ज़्यादा जबरदस्त चीज़ें हैं, भाई ज़्यादा भी अच्छी है, ये हमें काफ़ी चीज़ें चीज़ें काफ़ी ले ली हैं। मैडम ये भी लेना है, वो भी लेना है, जेब खाली करो, कलर स्प्रे लेना है, वो फलाना टमकाना, बस कर जो बहुत चीज़ें हो गई आपके। हाँ जेब खाली, 5,000 मांग रहे हैं, जल्दी दे दो, क्या हो गया, जल्दी 5,000 जैसा ही कर दे मेरे नंबर पे आप।
घर आके मैं खाना बना रही हूँ, रायता वगैरह बना दिया, राइस बन रही है। राइस आपको पता है, राइस ही राइस खाते हैं। और शदीद किस्म का थकावट में हूँ मैं, मेरे फेस से अंदाज़ा हो रहा होगा आप लोगों को कितनी थकावट हुई। शॉपिंग करते 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 इतना टाइम हो गया और इतनी की थकावट हो गई। और आप लोगों ने ब्लॉग को मिस नहीं करना, कंटिन्यू रखना है ब्लॉग को। इतना का मज़े वाला ब्लॉग होने वाला है। और बर्थडे तो सेलिब्रेट करनी, बड़ी धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट करनी और काफ़ी लोग आने वाले हैं। आप सब ने पूरा ब्लॉग वॉच करना है, बड़ा मज़ा करने वाले हैं हम इस ब्लॉग में, बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं इस ब्लॉग में। जिसने इंजॉय करना है वो ब्लॉग को मिस नहीं करेगा। और सबसे अच्छी बात, हमेशा मैं हर ब्लॉग में कहती आई हूँ, सबसे अच्छी बात हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश, हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ फैलाएँ और फैलाते जाएँ। और साथ साथ मुझे शादी भी है और मेरी बर्थडे भी है। शादी मेरे कज़न की है, मेरी खाला के बेटे की मेरा भाई लगा, सगे कज़न के बेटे की शादी है, सगे कज़न की शादी है, बेटे की शादी नहीं है, कज़न की शादी है, हालांकि बेटे की शादी है। और वो भी मैं इंशाल्लाह व्लॉग, मेरी कोशिश तो पूरी होगी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूं। और बस ऐसा है कि वो व्लॉग फैमिली होती, फैमिली नहीं भी आती वीडियोस में, तो इस वजह से जो है ना मैं खुद को ही वो पूरी करूँगी कि आप लोगों को मैं कंटिन्यू पूरा व्लॉग दिखाऊँ, पूरी शादी इंजॉय करवाऊँ। और तवा मेरा गर्म हो गया दम में लगाने के लिए, तवे को मैंने रखा था, तवा मेरा फुल गर्म हो गया यहाँ पर। अब जो है हल्का सा वो करके आटा मैं गूंदूंगी, थोड़ा सा आटा इसलिए गूंदूंगी कि मुझे नाश्ते में थोड़ी तंगी नहीं होती, फटाफट से रोटी बनानी होती है, दो रोटियाँ बनानी होती है, जल्दी जल्दी से मैं बना लेती हूँ आटा गूंदा पड़ा हो तो। और काफ़ी लोग ऐसे जो फ्रेश आटा गूंदते हैं, लेकिन मैं जो हूँ फ्रेश गूंद के मेरी रोटी नहीं पकती भाई, ये बात सीधी बात है, मेरे से नहीं रोटी बनती। घर में गंद इस कदर इस वजह से फैला है कि बर्थडे की तैयारियां धूमधाम से स्टार्ट हुई हैं। अच्छा जी, मुझे दुआओं में याद रखना और हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।